ईवीएम को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। वहीं लंबे वक्त से विपक्ष ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहा है और अब इन आवाजों की गूंज और तेज हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष ने आज ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, लेकिन प्रदर्शन के पहले ही मोदी सरकार ने खेल कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ईवीएम के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष लंबे समय से सरकार और चुनाव आयोग से ईवीएम हटाने की मांग कर रहा है। उनका आरोप है कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। मोदी सरकार ईवीएम का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तो ईवीएम से छेड़छाड़ का डेमो भी मीडिया के सामने पेश किया था, लेकिन सरकार विपक्ष की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के नेताओं समेत सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई है। विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग से कितनी बार मिलने का समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार कर दिया और अब मजबूरन उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तरफ रुख किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह, महमूद प्राचा समेत अन्य कई जाने माने नाम भी शामिल थे। लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही मोदी सरकार ने अपना खेल खेल दिया। किसान आंदोलन की आड़ में दिल्ली में धारा 144 लगा दी, जिस कारण से यूथ कांग्रेस कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया, लेकिन पुलिस ने यहां से भी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। मतलब सरकार उनकी मांगे भी नहीं सुन रही है और अब उन्हें विरोध भी नहीं जताने दिया जा रहा। लेकिन मोदी सरकार की इस तानाशाही के सामने विपक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।